हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। मैं लेके आया हूँ एपिसोड नंबर 213, यानी कि कल की बात आज, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस लेवल की। निफ्टी में थोड़ा सा कल की बात करने से पहले परसों की बात कर लेते हैं, जो मैंने मतलब परसों मतलब कल जो मैंने बोला था पहले, उसके ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा। तो आइए, मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ। तो ये एपिसोड नंबर 213, ठीक है, हम एडवांस में एनालिसिस करेंगे, जो कि आज का टॉपिक है निफ्टी आसमान पर बैंक निफ्टी कब तक जमीन पर, राइट। और आपको याद है, अगर निफ्टी को भागना है तो बैंक निफ्टी को साथ देना पड़ेगा। क्या आज बैंक निफ्टी ने साथ दिया? नहीं दिया, निफ्टी भागा, लेकिन बैंक निफ्टी साथ दिया। तो क्या आपको दिमाग लगाओ, बैंक निफ्टी सेल करनी थी? सिंपल सी चीज है, देखो निफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं लेकिन बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी फोकस कर रहे हैं निफ्टी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर पैसा बनाना आसान होता ना तो आप सब लोग बना चुके होते हैं, इसलिए बोलता हूँ साइकोलॉजी को सीखो। तो चलिए पहले हम पुराने लेवल्स की बात कर लेते हैं। चार्ट्स के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे दोस्त, ये निफ्टी का चार्ट है, आप लोगों को बोला गया था, क्लियर कट मैसेज में आपको अपडेट किया गया था कि भैया आपको अगर बाइंग करनी है तो आपको 16,570 के ऊपर आएगा, 16,570 के ऊपर जाएगा तो बाइंग करें। और दूसरा हडल मैंने 630 रुपये का दिया था, दूसरा हडल वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज 630 का हडल, इसके ऊपर तो बाइंग और इसके पास तो बाइंग, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पे भी जाता है तो बाइंग करने से अच्छा है, पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर द सेल साइड, राइट। तो चाहो आपने बाई किया तो पैसा बना, नहीं किया तो भी आपका कम से कम लॉस नहीं हुआ, राइट। आप गलत जगह नहीं फंसे, आपको मैंने क्लियर कट मैसेज किया हुआ था कि भैया बीच में कुछ नहीं करना है, दूर रहना है मार्केट से, साफ साफ क्लियर क्लियर शब्दों में बोला गया था। और अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे लेवल्स को, अगर अच्छे से दिल से फॉलो किया होगा, तो जो लेवल्स मैंने आपको अपडेट किए, ये 17 तारीख है, देखो मैंने आपको जो मैसेज दिया था 570, 16,570 एंड 630 के बीच में आए तो ओनली थिंग फॉर द सेल, क्लियर। और अगर फुल रैली तेजी होनी है तो 16,630 के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में बड़ा धमाका होगा, अब की बार 17,000 के पार भी आपको लेवल दिख सकता है। लेकिन मार्केट देखो कैसे रिस्पेक्ट करता है, 17 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, यानी कि आज अच्छा खासा आप खुद देख सकते हो वॉल्यूम भी जनरेट किया, एक बाउंस दिया सेकंड कैंडल ने, इमीडिएट 5-10 मिनट का कैंडल है ये, सेकंड कैंडल ने इमीडिएट बेसिस पे बाउंस बैक दिया। और अगर आप समझदार हो और आपने एजुकेशन ली है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या इसके बेसिस पे सेल था, क्या इसके बेसिस पे सेल था। आप सोचो मेरा जो 16,000 16,570 प्राइस रिस्पेक्ट, और वहां से मेड लो, सॉरी थोड़ा सा लाइंस को थोड़ा सा माफी दे दीजिएगा, 570 से मेड लो ऑलमोस्ट 490, 80 पॉइंट की रैली आपको डाउनफॉल में। और हाँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी है या हमारे वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं, स्पेशली उनके लिए, क्या बॉटम पे आपको माइंग मिला, यस और नो? क्या मैंने आपको बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं, बॉटम के लेवल पे कैसे बाइंग होती है, इस जगह पे बॉटम फिशिंग कैसे करती है, क्या मैंने आपको सिखाया हुआ है? अगर यस, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और दुआ करना कि आपको देखो चिंदी असल के साथ बॉटम फिशिंग फिर करी और देखो फिर से कितना मोर देन 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको पैसा मिला है। यानी कि फ्री वालों को भी मैं बहुत कुछ दे रहा हूं इंट्राडे के लेवल्स, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी क्लास अटेंड किए हुए, जिनको किंग रिसर्च की साइकोलॉजी पता है, स्ट्रैटेजीज पता है, उनको भी यहां पे बेनिफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सो ओवरऑल ये जो जोन इतना बड़ा बनाया है, इसके अंदर क्या करना है, ओनली थिंग फॉर द सेल। अगर जोन 630 के ऊपर जाता है तो हमें बाइंग करेंगे या सेल करेंगे, वो मैं आपको एडवांस बताऊंगा। ये हो गया
निफ्टी फ्यूचर्स जिसने 80 पॉइंट की रैली हमारे लेवल से आपको मिले हैं। अच्छा सर, ये तो तुक्का है, कभी कभी तो मेरा भी चल जाता है। ठीक है भाई, आपका भी चल जाता है, हमने कब मना किया या हम कब आपको बोल रहे हैं कि भैया आपका कॉल ना चले। हम तो चाहते हैं कि आपका भी चले, हम देरी से ले रहे हैं, आप भी हमारे इन लेवल से सीख सको और अपना खुद का मार्केट में चला सको। किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको अगर इसमें भी याद रहोगा, बैंक निफ्टी में आपको 35,970 का लेवल दिया गया था जिसके नीचे सेल करना था। वहां से पहला जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 35,750 का आपको पहला टारगेट दिया था, 756 का, आई एम सो सॉरी, अचीव्ड, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। अब रह गया सेकंड टारगेट, वो 470 का, 35,470 का सेकंड टारगेट है। नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टारगेट क्लियर कट, 270 पॉइंट का हमारा टारगेट बैंक निफ्टी में भी अचीव किया, रिस्पेक्ट दिया है। दिस इज पावर ऑफ लर्निंग, नथिंग एल्स। क्या आप भी इस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन आज लेके आया हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, आपको मेरे से और ऐसा क्या लेवल चाहिए और ऐसी क्या चीजें चाहिए जिससे कि मैं आप मुझसे सीखना चाहो, राइट? तो ये तो हो गया कल की बात जो हमने कल करी थी। अब आज की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है या सेल करना है, बाई करना है, किन लेवल्स का। सर मेरी बात समझना, सर मैं ब्ला ब्ला करने पे बिलीव नहीं करता, मैं डायरेक्ट लेवल देता हूँ कि भैया ये लेवल बाई है, ये लेवल सेल है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर हुआ तो, वैसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। बस आप लेवल्स को देखो प्रॉपर, इन लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे आपको सीखने को मिलेगा। और बीच बीच में मैं आपको नुस्खे भी देता हूँ कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या लॉजिक्स होना चाहिए, वो भी मैं आपसे बीच बीच में शेयर करता रहता हूँ, राइट? सो निफ्टी आसमान पर, बैंक निफ्टी कब तक जमीन पर। तो चलिए, थ्री डेट का डायलॉग सर आसान शब्दों में कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 16,600, यस, नाउ कीप आई, सेम है लेवल, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 16,630, 16,670 अपसाइड हर्डल है और टारगेट है, राइट? यस, लॉयन हार्ट ट्रेडर गो शॉर्ट, वी नीड वन पैनिक फॉर मोर बुल रन बिलो 5,647, याद रख लो 16,547 के नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट 16,430, 16,370 का टारगेट रहेगा विद स्टॉप लॉस 16,600 का। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस, पेपर पेन लेके बैठना, नोट कर लेना, नहीं तो बाद में लेवल समझ में नहीं आएंगे, बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, लॉस कर लिया भाई। बैंक निफ्टी की बात कर लूं, लास्ट लो 35,968, नाउ कीप आई ऑन लक्ष्मण रेखा, सेम 36,356 फैंसी नंबर एंड 36,430 का लेवल है। जब तक 356 का लेवल नहीं टूटेगा मैं बैंक निफ्टी को नहीं करने वाला मेरे दोस्त भाई। और अगर एक बात तोड़वा दो मैं 1,000 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी में, आई विल शो यू द गेम। सपोज टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इफ नॉट क्रॉस आवर लक्ष्मण रेखा, यानी कि 36,356, 430 नहीं क्रॉस करता है एंड स्टे बिलो, यानी कि 35,830 के नीचे, आपको क्या करना है मैं रेड मार्क कर देता हूं सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको चीजें क्लियर समझ में आए। 35,830 के नीचे ठोको, इट विल पैनिक अप टू 35,470, 35,327। यस, एनी डिक्लाइन ऑफ पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाई, आवर मूल मंत्र याद रखना बाई करने का, डोंट फॉरगेट फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग वंस इट्स क्रॉस एंड स्टे अबव 36,356, 36,430 के ऊपर जाएगा तो 37,700 का टारगेट है और 38,230 तक का टारगेट है, मोर देन 1,000 पॉइंट का टारगेट मैं आपको पेपर में लिख के दे रहा हूं। एज आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिएगा, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कर लीजिएगा तो ही ट्रेड लीजिएगा भैया, लॉस प्रॉफिट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 10 दिन 15 दिन मेरे को फॉलो करो, जो नए हैं कम से कम फॉलो करो, और जो पुराने हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा, सो दैट जो नए फॉलोअर्स हैं उनको हमारे कल की बात आज के एपिसोड से, नाइट एपिसोड जो फैमिली शो है हमारा, आप लोगों को हेल्प हो सके। तो ये आपको मैंने देखो सुबह सुबह 10 मिनट के अंदर मोर देन 70,000 का MTM मैंने आपको शो किया था, सुबह सुबह 10 मिनट के अंदर लाइव ट्रेड के अंदर, राइट?
आप देख लो अपोलो हॉस्पिटल, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है किस रेट पे मेरा बाइंग हुआ है। आप देखो 2500 क्वांटिटी थी, 82 रुपीस के आसपास बाई किया था। टाइमिंग भी नोट कर लेना, 9:17 पे विद इन 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर ट्रेड किया है ये। और वहां से आपको बोलने की जरूरत नहीं है, 82 का लेवल आप खुद चेक करो कहां पे 82 का लेवल। ये देखो सर, यहां पे बाइंग करी और यहां से मार्केट ने नॉन स्टॉप 330-340 का मिड हाई, कितने परसेंट का आरओआई है? दिमाग का ढक्कन खोलो और सोचते रहो, 80 रुपए का 340 रुपए के रेट पे चले गए। दिस इज पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। सर हम उनमें से नहीं 10 स्टॉक्स बताएंगे, उनमें से दो चल गए तो गुणगान करेंगे, ये देखो हमने बोला था ना, और बाकी जो नहीं चले उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। भाई हम लोग लिमिटेड देते हैं, सोचो मैं आपको एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी दे रहा हूँ और सुबह सुबह टेलीग्राम में कॉल्स देता हूँ, लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर अपना एमटीएम आपसे शेयर करता हूँ, डेली बेसिस अपना लाइव ट्रेड आपसे शेयर करता हूँ कि सुबह सुबह 10 मिनट में मैंने कितना पैसा बनाया। एवरी डे टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहां पे मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी चीज मेंटेन करता हूँ। चाहे लॉस और प्रॉफिट हो उससे डर नहीं लगता दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से डर लगता है, जो कि मैं आपके साथ 100% शेयर करता हूँ। ये दिल की बात है सर, और कोई बात नहीं है, जितना आपको समझ में अच्छी बात, नहीं समझ में तो भी अच्छी बात, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये टेलीग्राम में आपको कॉल दिया जिसमें 5000 रुपये का हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट आया है। नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज दिए जिसमें 3000 का लॉस हुआ है। सर डरना नहीं है, लॉस हुआ है झेलेंगे, प्रॉफिट है झेलेंगे। ये इंट्राडे हंटिंग कॉल्स, अभी तक आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई है, आप नहीं सीखना चाहते हो, आप कहीं से फंसे रहते हो, बिजी हो, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमारे इंट्राडे हंटिंग के बारे में जान सकते हो। फ्री तो नहीं बोलूंगा, ये पेड टिप्स है, राइट, जिसमें हमने परफॉर्मेंस दिया आपको। ऑलमोस्ट आज का इंट्राडे 15550 का कॉल टिप्स दी गई, जिसमें आपको मैंने एशियन पेंट में 9000 का प्रॉफिट कराया, पेट्रोनेट में 800 रुपये का लॉस कराया, सॉरी पेट्रोनेट में 7000 रुपये का प्रॉफिट कराया, निफ्टी का मैंने ट्रेड करवाया था जिसमें 800 रुपये का लॉस कराया। टोटल 3 ट्रेड दिए जिसमें 15550 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। इसकी डिटेल आपको अगर आपको जाननी है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग है, एजुकेट योर सेल्फ, अगर आप नहीं सीख पा रहे कहीं बिजी है किसी भी वजह से, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंट्राडे हंटिंग के बारे में पता कर सकते हैं, राइट। अभी मत करिएगा सर, सुबह करिएगा, अभी रात हो गई, ठीक है। अब ये देख लो सर, हेलो हरिंदर सर जी, ये हमारे ब्यूटीफुल फीडबैक्स हैं, जो बहुत सारे डेली बेसिस फीडबैक होते हैं, लेकिन आज मैं जो अभी भी लास्ट में मेरे को मिल गया वो लेके आया हूँ। कल की बात, आज के वजह से ही 12000 रुपये इस भाई ने साहब ने भी कमाया, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, जो मैंने आपको बताया एक क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी अपनी क्लास में देता हूँ, उसके बेसिस पर उन्होंने पैसा बनाया, 4 लॉट पर काम किया, 12000 रुपये का इसमें प्रॉफिट बनाया। और ये कल की बात, आज का फीडबैक है आपके सामने है दोस्त। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है। जय हिंद, कल मिलता हूँ 9:15 पे। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, इमीडिएट बेसिस पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद सर, अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। जय हिंद।